हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे सीएसके वर्सेस आरसीबी का जो मैच खेला जाएगा, धोनी वर्सेस विराट कोहली। क्योंकि अब जो कैप्टन है वो एमएस धोनी है और इधर से विराट कोहली। क्या आज विराट कोहली रन बनाएगा? एमएस धोनी को विकेट कीपर में रखें या दिनेश कार्तिक को रखें? क्या डी कॉनवे आज से फिर आज रन बनाएगा जैसे पिछले मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने फाड़ के रख दिया था? हमारा जो रैंक चल रहा था 2 रैंक, लास्ट में 16 रैंक आ गया था, क्योंकि एक्चुअली हम लोग 1-2 बॉलर को मिस कर दिए थे बस, और कोई रीजन नहीं था, क्योंकि हमारा कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ था, डी कॉनवे वाइस कप्तान था। आज के मैच में हम क्या करने वाले हैं तबाही, वो बताएंगे हम आपको वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना। फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टॉस के बाद बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है। फाइनल टीम हम जो देते हैं स्मॉल लीग का वो टेलीग्राम पे देते हैं, और ग्रैंड लीग का जो टिप स्टिक दूंगा वो मैं वीडियो में दूंगा। वीडियो को पूरा देखना। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैच खेला जाएगा सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच में, ये मैच खेला जाएगा महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे में। और यहाँ का जो पिच आपने अभी तक जो देखा है क्या होता है, यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि बैट्समैन यहाँ पे चलता है, मतलब बैट्समैन को अपने टीम में रखना ही रखना है। जैसे ऋतुराज गायकवाड़ हो सकता है कि आज फिर से रन बनाए, और जब ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म चल जाता है ना तो चल ही जाता है, फिर वो खतरनाक रन बनाता है। अगर हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यहाँ पे टोटल देखो 45 मैचेस हुआ है। सेकंड बैटिंग करने वाला 23 बार विन किया है और फर्स्ट बैटिंग करने वाला 22 बार विन किया। यहाँ जो रन देखने को मिलता है 150 से 170 के बीच में ज्यादातर रन देखने को मिला है। 17 बार 150 से 170 के बीच में रन बना है। देखो, अगर आप लोग माई 11 सर्कल नहीं खेल रहे हो तो बहुत लेट कर रहे हो, क्योंकि माई 11 सर्कल पे कॉम्पिटिशन बहुत कम है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट डाउनलोड कर लो माई 11 सर्कल, जहाँ पे आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। देखो, अभी डाउनलोड करोगे तो क्या फायदा होगा, फर्स्ट कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, 1500 कैश बोनस मिलेगा, चैंपियन के साथ खेल सकते हो, जैसे वीबीएस लक्ष्मण के टीम के साथ खेल सकते हो, इनको हराओ 5 गुना जीत जाओ, और फर्स्ट डिपॉजिट पे 20% एक्स्ट्रा कैश मिलता है हमेशा, ठीक है। इसलिए फर्स्ट डिपॉजिट करो और 20% कैश विन कर लो। टॉप प्लेयर परफॉर्मेंस में जो नाम आता है, ये 6 जो मैं प्लेयर बता रहा हूँ ना, ये 6 के 6 इंपॉर्टेंट है। इस प्लेयर आपको शायद कोई ना बताए, मैं आपको बताता हूँ, इसलिए 6 प्लेयर बताता हूँ सेफ। ऋतुराज गायकवाड़, जडेजा, मुकेश चौधरी, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और हर्षल पटेल। और हो सकता है कि आज का मैच आरसीबी जीते, 70% चांस है आरसीबी जीतने का। तो हर्षल पटेल विकेट लेके जा सकते हैं, डेप्थ में भी बॉलिंग करता है, हो सकता है 2 से 3 विकेट भी ले जाए, तो ग्रैंड लीग में कैप्टन बनाने की कोशिश करना। सीएसके आरसीबी का मैच हुआ है तो सीएसके विन किया है। अगर आप यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस वाइज, हेड टू हेड परफॉर्मेंस में भी सीएसके सबसे आगे है, 19 बार सीएसके ने विन किया, आरसीबी ने 9 बार विन किया है। पॉइंट टेबल पे अगर आप देखोगे तो 5 नंबर पे आरसीबी है, 9 नंबर पे सीएसके है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पॉसिबल 11। पॉसिबल 11 में ऋतुराज गायकवाड़, डी कॉनवे फिर से ओपनिंग करेंगे। ऋतुराज गायकवाड़, रॉबिन उथप्पा का अगर आप देखोगे तो पिछले बार बैटिंग ही नहीं आ पाया था वैसे, ठीक है। लास्ट में अगर आप देखोगे आज रॉबिन उथप्पा को बहुत कम लोग ट्राई कर रहा है, हेड फोर टीम में आप ट्राई कर सकते हो और ग्रैंड लीग में कैप्टन भी बना सकते हो। ओके, जीएल में कैप्टन बना सकते हो ऋतुराज गायकवाड़। हम बात ही राइडू, जडेजा, एमएस धोनी, प्रिटोरियस सेंटनर आएंगे, संदीप सिंह, मुकेश चौधरी और यहाँ पे तिक्साना डिफेंसर पिक हो सकता है। फैफ डू प्लेसिस विराट कोहली, रजत पटीदार, फिर ग्लेन मैक्सवेल आएंगे, और दिनेश कार्तिक, महिपाल लैमोर, वनिंदु हसरंगा हम अपने टीम में रख रहे हैं, फिर अहमद है, सिराज, हेजलवुड और हर्षल पटेल। चलिए अब हम लोग स्टैट्स पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग सीएसके के प्लेयर के बारे में जानते हैं और कौन सा प्लेयर हमारे स्मॉल लीग में रहेगा, ग्रैंड लीग में किसको कैप्टन बनाएंगे, सारा डिस्कस करेंगे, प्लेयर का स्टैट्स समझेंगे। तो सबसे पहले जो नाम आता है ऋतुराज गायकवाड़, पिछले मैच में 99 रन बना के आउट हो गया यार, अफसोस, सेंचुरी लगा देता यार, भाई का नाम एक सेंचुरी पे आ जाता, ठीक है। तो ऋतुराज गायकवाड़ अभी फॉर्म में आ चुका है, तबाही मचाएगा, 31 मैच में 1000 से ज्यादा रन बनाए, राइट हैंड बैट्समैन है। और मैं तो बोलता हूं अगर सीएसके को फेवरेट मानते हो तो ऋतुराज गायकवाड़ को फिर से कैप्टन बनाओ। पिछले मैच में मैंने कैप्टन बनाया, 2 रैंक चला लास्ट तक, लास्ट में थोड़ा सा एक बॉलर नहीं लिया था उसके कारण 16 रैंक हो गया था। ऋतुराज गायकवाड़ को अगर आप
सीएसके को विन कराना चाहते हो तो गायकवाड को ही कैप्टन बनाना, क्योंकि आरसीबी के अगेंस्ट में 4 मैच खेला है और 154 रन बनाया है। रिकॉर्ड बहुत अच्छा है आरसीबी के अगेंस्ट में, बहुत ही अच्छा। फिर नाम आता है डी कॉनवे, लास्ट मैच 85 रन का पारी खेला, उसके पहले 3 रन बनाकर फ्लॉप रहा था। डी कॉनवे को मैं फिर से स्मॉल लीग टीम में ट्राई करूंगा, और अगर मेगा कॉन्टेस्ट खेलूंगा तो उसमें मैं डी कॉनवे को ग्रैंड लीग में कैप्टन और वाइस कप्तान बना के चलूंगा, ठीक है। आरसीबी के अगेंस्ट में खेला नहीं है, 112 मैच खेला है, 3753 रन बनाया, इस वेन्यू पे 1 मैच खेला है और 85 रन बनाया, अच्छा रिकॉर्ड है। रॉबिन उथप्पा का बैटिंग ही नहीं आया था पिछले मैच में, इस मैच में बैटिंग आएगा, और स्मॉल लीग में मैं तो बोलता हूं कि एक बॉलर के बजाय आप उथप्पा को ले लेना, आपके लिए डिफरेंशियल पिक होगा स्मॉल लीग में, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको जब मैं टीम बनाऊंगा वहां पे मैं बताऊंगा, ठीक है। 21 मैच खेला आरसीबी के अगेंस्ट में, 686 रन बनाए, 203 मैच खेला है, 4950 मतलब 5000 लगभग रन बना चुका है। अंबाती राइडू पिछले बार बैटिंग नहीं आया था, अंबाती राइडू का सिलेक्शन बहुत कम हो गया है। अगर सीएसके पहले बैटिंग करता है, सुन लो भाई, अगर सीएसके पहले बैटिंग करता है तो अंबाती राइडू को अपनी टीम में रखना, ठीक है। उथप्पा और अंबाती राइडू, ये दोनों को रखना, गायकवाड को भी रखना और डी कॉनवे को भी रखना, ओके। ये 4 बैट्समैन के साथ जाने की कोशिश करना, और जीएल में तो खैर ट्राई करना ही करना राइडू को। रविंद्र जडेजा डिफरेंशियल पिक बोला जाए तो है, क्योंकि अभी फिलहाल बॉलिंग से तो नहीं दे रहा पॉइंट, लेकिन बैटिंग से थोड़ा सा आपको पॉइंट देके जा सकते हैं, अगर सीएसके पहले बैटिंग करता है, चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो जडेजा को, ओके। मैंने वैसे स्मॉल लीग में रखा है, ग्रैंड लीग में ड्रॉप करूंगा, फ्लॉप मुझे लग रहा है कि जडेजा फ्लॉप हो सकता है, इसलिए मैं जीएल में इनको नहीं रखूंगा। एमएस धोनी और दिनेश कार्तिक दो ऑप्शन है, तो सबसे फर्स्ट चॉइस तो दिनेश कार्तिक है, क्योंकि एमएस धोनी का बैटिंग ऑर्डर बहुत ही नीचे है। अभी फिलहाल देखोगे यहाँ पे पहला मैच 50 लगाया था एमएस धोनी ने, अभी फिलहाल फ्लॉप चल रहा है। प्रिटोरियस अगर सीएसके पहले बॉलिंग करता है तो प्रिटोरियस जीएल के लिए डिफेंसल पिक होगा, मैंने नहीं रखा अपने स्मॉल लीग में। मिचेल सेंटनर कोई सीएसके पहले बॉलिंग करता है सेंटनर के साथ जाना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने अपने स्मॉल लीग में नहीं रखा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आरसीबी बॉलिंग का फैसला ले सकता है और आरसीबी थोड़ा सा स्ट्रांग बन सकता है। 10 मैच में 9 विकेट लिया प्रिटोरियस, जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, ठीक है। मैं अपने टीम में फास्टर ज़्यादा रखने की कोशिश करता हूँ। सरजीत सिंह 21 मैच में 24 विकेट, लास्ट मैच फ्लॉप रहा था। मुकेश चौधरी जो हमारा डिफेंसल पिक था स्मॉल लीग का, 4 विकेट लिया था, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ही कम था, जो कि लेफ्ट आर्म मिडफास्ट बॉलिंग करते हैं, और फिर से आप मुकेश चौधरी के साथ जाना चाहोगे तो ले लेना स्मॉल लीग में, ठीक है। 4 मेंबर स्मॉल लीग में हम रखेंगे, हेड 4 में, हेड 3 हेड 2 में नहीं रखेंगे मुकेश चौधरी को। तिकसाना राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं तिकसाना, 53 मैच में अगर आप देखोगे तो कितना लगभग 60 विकेट लिया है, 4 विकेट तक लिया स्टार्टिंग में, फिर 2 विकेट, फिर एक एक विकेट, आज के मैच में विकेट लेगा तिकसाना, ठीक है, जो कि राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट हैंडर्स को आउट कर सकता है। इकोनॉमिक भी बहुत शानदार है तिकसाना का, और आरसीबी के अगेंस्ट में 1 मैच खेला था, 4 विकेट लिया था, तो इसलिए मैं ड्रॉप नहीं कर सकता हूं तिकसाना को, रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 1 मैच खेला है, 2 विकेट। बेंच में बहुत सारे बेंच प्लेयर है, क्रिस जॉर्डन है 27 मैच में 25 विकेट लिया है, ब्रेवो है, देखो ये ब्रेवो देखते हैं खेलता ही नहीं खेलता, अभी न्यू प्लेयर को चांस मिल रहा है और टीम जीत भी रहा है, तो हो सकता है ब्रेवो को चांस ना मिले, अगर ब्रेवो खेलता है तो ये डेप्थ में बॉलिंग करते हैं और राइट आर्म मिडफास्ट बॉलिंग भी करता है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। ब्रेवो को तो खैर छोड़ना ही नहीं, अगर ब्रेवो खेलता छोड़ना नहीं। अब हम लोग आरसीबी के प्लेयर के बारे में जानते हैं, फैफ डु प्लेसी जो हमारे टीम का कैप्टन है, आज के मैच में हम कैप्टन बना रहे हैं, भले अभी 3 मैचों से फ्लॉप चल रहा है फैफ डु प्लेसिस, लेकिन 96 रन का भी पारी खेला, 88 रन का भी पारी खेला। या तो फैफ को कैप्टन बनाओ, या तो ऋतुराज गायकवाड को बनाओ, या तो विराट कोहली को बनाओ। देखो फैफ को कैप्टन बना सकते हो, या तो ऋतुराज गायकवाड को भी कैप्टन बना सकते हो, अभी ऋतुराज गायकवाड फॉर्म में आ गया है, तो अगर आप थोड़ा सा डिफरेंशियल चाहो तो गायकवाड को बना सकते हो। 110 मैच खेला है, 3303 रन बनाया, और सीएसके के अगेंस्ट में 1 मैच खेला है, सिर्फ 8 रन बनाया था। विराट कोहली फिर आएंगे, अभी फिलहाल ओपनिंग कर रहे हैं, लास्ट मैच 58 रन का पारी खेला, 150 लगा दिया भाई साहब ने, मैंने बोला भी था कि विराट कोहली चलेगा उस मैच में, आरसीबी के जब मैच था तो प्रिडिक्शन मैंने दिया था। विराट कोहली 216 मैच में 6470 रन बनाया है, अच्छा रिकॉर्ड है, सीएसके के अगेंस्ट में भी अच्छा रिकॉर्ड है। विराट कोहली मेरे टीम के वाइस कप्तान रहेंगे, कैप्टन भले मैं फैफ को बना सकता हूँ या तो गायकवाड को बना सकता हूँ, लेकिन विराट कोहली वाइस कप्तान रहेंगे। रजत पाटीदार 52 रन का पारी खेला, 1 डाउन बैटिंग करने आया, बहुत कम लोग ट्राई कर रहा है ग्रैंड लीग में ट्राई करना, क्योंकि आपको 1 डाउन बैट्समैन मिल रहा है, ऊपर से फॉर्म भी अच्छा चल रहा है और रिकॉर्ड भी अच्छा है, 6 मैच में 129 रन बनाए।
ठीक है, टिक के खेलता है, कई बार 50 भी लगाते हैं, वो 50 लगाए हैं, कई बार अगर देखोगे एक ओवर में दो दो सिक्स भी लगा देते हैं, फोर भी लगा देते हैं, तो पाटीदार को जीएल में ट्राई कर सकते हो, और या तो चार मेंबर स्मॉलिंग में। ग्लेन मैक्सवेल 33 रन का पारी खेल के आ रहा है, बॉलिंग फिलहाल नहीं कर रहा है, तो मुझे तो मैक्सवेल से बेटर पाटीदार ही लग रहा है, पाटीदार ही ले लेना, वन डाउन बैट्समैन मिल जाएगा आपको। मैंने स्मॉल लीग में वैसे ग्लेन मैक्सवेल को रखा है। दिनेश कार्तिक को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ, विकेट कीपर में एक ही चॉइस है, और फॉर्म भी अच्छा चल रहा है दिनेश कार्तिक का। लैमरोर को मैं फिलहाल नहीं रखूंगा, बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है। वनिंदु हसरंगा को जरूर रखूंगा, क्योंकि हर मैच में विकेट लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप देखो दो विकेट और राइट टर्म लेग ब्रेक बॉलिंग भी करते हैं, ठीक है, गुगली बहुत शानदार करते हैं, 94 मैच में 1000 से ज़्यादा रन बनाए और 125 विकेट लिया है, 94 मैच में 125 विकेट लिया, सोचो हमेशा रिकॉर्ड अच्छा रहता है वनिंदु हसरंगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीएसके के अगेंस्ट में तो ऐसा रिकॉर्ड है नहीं, लेकिन इस वेन्यू पे एक मैच खेला है और 4 विकेट लिया, अच्छा रिकॉर्ड है। शहबाज अहमद लास्ट में 2 विकेट लिया था, अगर आरसीबी को फेवरेट मानते हो तो शहबाज अहमद को ट्राई करना, मतलब आरसीबी पहले बॉलिंग करता तो ट्राई करना। जॉस हेजलवुड खैर रहेगा हमारे टीम में, भले पिछले मैच में फ्लॉप रहा था, लेकिन जॉस हेजलवुड को हम ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, राइट आर्म मिडिल फास्ट बॉलिंग करते हैं। आप यहाँ पे देखो जॉस हेजलवुड 3 विकेट 4 विकेट, फिर यहाँ पे फ्लॉप रहा था, फिर 2 विकेट, मोस्टली विकेट लिया, ठीक है, तो 17 मैच में 21 विकेट लिया है, और सीएसके के अगेंस्ट में एक मैच खेला 1 विकेट लिया, इस वेन्यू पे एक मैच खेला 2 विकेट। आज जॉस हेजलवुड 1 से लेके 2 विकेट तक लेके जाएंगे, 2 विकेट मेरा प्रिडिक्शन है। मोहम्मद सिराज अगर आरसीबी पहले बॉलिंग करता है तो सिराज आपके लिए डिफेंसल पिक होगा। देखो मैं तो सिंपल बोलता हूं, अगर सीएसके पहले बॉलिंग करता है तो उनके जो मैं बताया हूं रिस्की प्लेयर रिस्की बॉलर वो लेना, अगर आरसीबी पहले बॉलिंग करता हो तो आरसीबी का रिस्की बॉलर लेना, जैसे सिराज को लेना, ठीक है। 60 मैच में 56 विकेट लिया है। हर्षल पटेल ये तो खैर विकेट लेगा ही, ये तो पावर प्ले दैप्थ में बॉलिंग करता, भले लास्ट मैच में विकेट नहीं लिया था, लेकिन हर्षल पटेल विकेट लेगा, 73 मैच में 88 विकेट, पिछले सीजन अगर आप देखोगे तो पिछले सीजन का हीरो था पर्पल पटेल बोलते थे इनको, पर्पल कैप जीता था हर्षल पटेल, सबसे ज्यादा विकेट लिया था, 6 मैच खेला सीएसके के अगेंस्ट में, 10 बार विकेट लिया है, तो हमारे टीम में खरी स्मॉल लीग में 100% रहेगा। बेंच प्लेयर में बहुत सारे बेंच प्लेयर है, जिसमें डेविड विले इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर खेले, फेबियन लेन इंपॉर्टेंट हो सकता है खेले। अब हम लोग बात करते हैं प्लेयर बैटल, प्लेयर बैटल में अंबाती राइडू के अगेंस्ट में मोहम्मद सिराज का रिकॉर्ड है, 2 बार आउट किया, हर्षल पटेल ने 5 बार आउट किया, अंबाती राइडू को 5 बार हर्षल पटेल ने आउट किया, ठीक है। विराट कोहली को जडेजा ने 3 बार आउट किया है और 2 बार ब्रावो ने आउट किया है, ब्रावो खेलता है तो विराट कोहली को फ्लॉप कर सकते हो, ब्रावो नहीं खेलता विराट कोहली वाइस कप्तान रहेगा मेरी टीम का। ग्लेन मैक्सवेल को ब्रावो ने 4 बार आउट किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि रजत पाटीदार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और जडेजा ने 6 बार आउट किया है। दिनेश कार्तिक को जडेजा ने 3 बार आउट किया और 4 बार ब्रावो ने आउट किया। चलिए अब हम लोग एक टीम भी बना लेते हैं, मैंने एक डेमो टीम बना के रखा है। विकेट कीपर में 2 ऑप्शन है, एमएस धोनी और दिनेश कार्तिक, मैं अपने टीम में रखा हूं दिनेश कार्तिक को, ओके। यहां पे अगर आप देखोगे बैटिंग सेक्शन में तो फैफ डु प्लेसिस, गायकवाड, विराट कोहली और कॉनवे, ये चारों ओपनर है, ठीक है, और मैं ओपनर के साथ जाना चाहूंगा, जिसमें मैं अभी फिलहाल फैफ डु प्लेसिस को कैप्टन बनाया हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ गायकवाड को भी कैप्टन बना सकता हूँ, सीएसके डिपेंड करता है टॉस कौन जीतता है, अगर टॉस सीएसके जीतता है तो मैं गायकवाड को कैप्टन बना सकता हूँ, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे वनिंदु हसरंगा है, जडेजा है और मैक्सवेल है, अगर जडेजा बॉलिंग नहीं करता है तो उनके जगह बेस्ट चॉइस होगा एक आप एक्स्ट्रा बॉलर ले लेना, ठीक है, मुकेश चौधरी ले लेना, आपके लिए डिफेंसल पिक होगा, हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लास्ट में 4 विकेट लेके गया था। हर्षल पटेल, मुकेश चौधरी और यहाँ पे हेजलवुड, मुकेश चौधरी को फिलहाल मैंने अपने टीम में रखा है, मोहम्मद सिराज को ले लेना, ठीक है, ओके। बैटिंग अगर आप कैप्टन की बात करते हो तो फैफ को बनाया, वाइस कप्तान विराट कोहली मेरा वाइस कप्तान फिक्स है, कैप्टन गायकवाड बना सकता हूँ, ठीक है, गायकवाड को मैं बना सकता हूँ कैप्टन। और देखो अगर टॉस के बाद कोई भी चेंजेस हुआ, कोई प्लेयर नहीं खेलता, मान लो ब्रावो खेल जाता मैं उसको जरूर लूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्स्ट कमेंट में लिंक है टेलीग्राम का, क्लिक करके ज्वाइन हो जाना, जहां मैं फाइनल टीम दूंगा, और माई 11 सर्कल पे जरूर खेलना क्योंकि यहां पे कंपटीशन बहुत कम होता है, ओके। डिस्क्रिप्शन में लिंक है माई 11 सर्कल का, डाउनलोड कर लो और खेलो। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।